हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीए स्टडी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपसे बीए फर्स्ट ईयर के प्राचीन इतिहास का पहला चैप्टर, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी पूरा आपको डिस्कस के रूप में समझा दिया है कि पहले चैप्टर में क्या है, प्राचीन इतिहास के बारे में कैसे हम जान सकते हैं उसी के बारे में था, तो पूरा ऑलरेडी हमने पढ़ाया हुआ है। उसके बाद इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हैं क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे लगातार पूछे जाते हैं। तो इसमें 94 क्वेश्चंस पूरे थे, जिसमें से हमने 65 नंबर क्वेश्चंस तक दो वीडियोस में कवर कर लिया। तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाकर के वो वीडियोस देख लीजिए। आज हम क्वेश्चन नंबर 66 से शुरू करने वाले हैं और पूरा ये आज का पूरा क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो 66 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सर्वप्रथम किस उपनिषद के चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। आपके ऑप्शंस हैं तैत्तरीय उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद, या जवालो उपनिषद, या छांदोग्य उपनिषद। तो इन चारों में जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जवालो उपनिषद। 67 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत का राष्ट्रीय जो आदर्श वाक्य है सत्र में हो जयते, ये किस उपनिषद में उद्गृत है। आपके ऑप्शंस हैं छांदोग्य, काढ़ोपनिषद, या मुंडाक उपनिषद, या फिर कौशितिकी उपनिषद। तो इन चारों में जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, मुंडोक उपनिषद। 68वां क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसने 24 बैलों द्वारा हल खींचे जाने का उल्लेख किया है। आपके ऑप्शन हैं काठक संहिता, वाजपेयिनी संहिता, तैत्तरीय उपनिषद, या भृगु संहिता। तो इन चारों में जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, काठक संहिता। 59 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्राचीन भारतीय इतिहास के कुल साक्ष्य कितने हैं। आपके ऑप्शन है 3, 5, 6, 10। तो इन चारों में जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 3। 70 नंबर क्वेश्चन भी आपका सेम वही है, तो आंसर भी सेम होगा। 71 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारतीय इतिहास के ज्ञान का प्राचीनतम स्रोत क्या है। आपके ऑप्शन है रामायण, महाभारत, ऋग्वेद, या मनुस्मृति। तो इन चारों में जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। 72वां क्वेश्चन है आपका कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास कहाँ किया था। आपके ऑप्शन है श्रावस्ती, वैशाली, ऋषिपत्तन, या राजगृह। कहाँ पर किया था उन्होंने सबसे ज़्यादा वर्ष तक अपने जीवन का यापन। आपके ऑप्शन हैं, तो इन चारों में जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, श्रावस्ती। 73 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आपके ऑप्शन है रामायण, वाल्मीकि, महाभारत, व्यास, अर्थशास्त्र, कौटिल्य, या अष्टाध्यायी अश्वघोष। तो इन चारों में जो करेक्ट आंसर है वो है आपको ऑप्शन नंबर डी, अष्टाध्यायी अश्वघोष से संबंधित नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। 74 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बौद्ध संघ के आचरण के नियमों का संग्रह निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है। आपके ऑप्शंस हैं विनय पिटक, सुत्त पिटक, अधिधम पिटक, या अंगुत्तर निकाय। तो इन चारों में जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अभिगम पिटक। 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी। आपके ऑप्शंस हैं वैशाली, कपिलवस्तु, कौसाम्बी, या उज्जैनी। तो इन चारों में जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उज्जैनी। 76 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अलार कलाम कौन था। आपके ऑप्शंस हैं बुद्ध का शिष्य, प्रख्यात बौद्ध सन्यासी, या गौतम बुद्ध का शिक्षक, या शासक जिसने बौद्ध धर्म के लिए अपना सिंहासन त्याग दिया। तो इन चारों में जो करेक्ट आंसर है वो है गौतम बुद्ध का शिक्षक, सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। 77 नंबर क्वेश्चन है कि जैनों के 23वें तीर्थांकर कौन थे। आपके ऑप्शन है पार्श्वनाथ, ऋषभ, नेमिनाथ, या फिर महावीर। तो इन चारों में जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, पार्श्वनाथ। 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं किया हुआ था। सेम क्वेश्चन आपका 75 नंबर वाला क्वेश्चन है, तो आंसर भी सेम होगा, डी नंबर, उज्जैनी। 79 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्यों में से कौन सा एक प्रत्यय सामुत्वाद के सिद्धांत का व्याख्यान करता है। आपके ऑप्शन हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इन चारों में जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय। 80 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से जो व्रत है इनमें से कौन सा एक महावीर द्वारा जोड़ा गया है। आपके ऑप्शन हैं ब्रह्मचर्य, असंहिता, या फिर अपरिहार्य, अमृतपाद। तो इन चारों में जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मचर्य। 81 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बुद्ध ने अपना अंतिम जो संदेश था वो किस शिष्य को दिया था। आपके ऑप्शन हैं आनंद, सारिपुत्र, सुभद्र, या उपाली। तो इन चारों में जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, आनंद। 82 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मनुस्मृति पर लिखी गई अपनी टीका के लिए प्रसिद्ध है। आपके ऑप्शन हैं अपार्क, मेघातिथि, विज्ञानेश्वर, या विश्वरूप। तो इन चारों में जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, विज्ञानेश्वर। 83 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अष्टांग संग्रह किस विषय का लेख है। आपके ऑप्शन हैं खगोल शास्त्र, आयुर्विज्ञान, या फिर आपका दर्शन, या राजशास्त्र। तो इन चारों में जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, आयुर्विज्ञान।
84 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर था? आपके ऑप्शन है महावीर, नेमिनाथ, ऋषभनाथ, वासरनाथ। तो इन चारों में जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ऋषभनाथ। 85 नंबर क्वेश्चन है, महावीर पैदा कहाँ हुए थे? आपके ऑप्शन है लुम्बनी, कुशीनगर, श्रावस्ती या कुंडग्राम। तो इन चारों में जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, कुंडग्राम। 86 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक आर्य किस देवता की पूजा नहीं करते थे? आपके ऑप्शन है इंद्र, पशुपति, वरुण या मारुति। तो इन चारों में जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, मारुति। 87 नंबर क्वेश्चन है, आपका भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है? आपके ऑप्शन है लुम्बनी, बोधगया, सारनाथ या कुशीनगर। तो इन चारों में जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, कुशीनगर। 88 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? आपके ऑप्शन है वसुमित्र, नागसेन, अश्वघोष, कालिदास। तो इन चारों में जो करेक्ट आंसर है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अश्वघोष। 89 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित स्मृति जो स्मृतियां लिखी गई उनमें से सबसे प्राचीन कौन है? आपके ऑप्शन है याज्ञवल्क्य स्मृति, मनुस्मृति, बृहस्पति स्मृति या देवल स्मृति। तो इन चारों में जो करेक्ट है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मनुस्मृति। 90 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के राजनीतिक इतिहास का स्रोत नहीं है? आपके ऑप्शन है पुराण, जैन साहित्य, अंगुत्तर निकाय या रामायण। तो इन चारों में जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अंगुत्तर निकाय। 91 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 24वें तीर्थंकर कौन थे? आपके ऑप्शन है वासरनाथ, ऋषभनाथ, नेमिनाथ या महावीर। तो इन चारों में जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, महावीर। 92 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किसे आदि कवि कहा जाता है? आपके ऑप्शन है कालीनाथ, कल्हण, वाल्मीकि या भारवी। तो इन चारों में जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, वाल्मीकि को। 93 नंबर क्वेश्चन है आपका पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी इसका लेखक कौन है? आपके ऑप्शंस हैं स्टेरवो या एक अज्ञात यूनानी लेखक या मेगस्थनीज या प्लूटार्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, एक अज्ञात यूनानी लेखक, यानी कि यूनान का कोई लेखक था जिसका नाम ज्ञात नहीं है। 94 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र क्या है? आपके ऑप्शंस हैं प्रबंधन, धर्मचक्र, अष्टांगिक मार्ग या फिर त्रिवरल। तो इन चारों में जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रबंधन। तो ये थे दोस्तों आपका पहला चैप्टर के पूरे क्वेश्चंस आज कवर हो रहे हैं, 94 नंबर क्वेश्चन आपका लास्ट था। तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार विजिट जरूर कर लीजिएगा। अगर आप बीए में है ना, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, या आपने कोई भी सब्जेक्ट लिया हो, तो उससे रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट आपका, उससे रिलेटेड आपको प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो प्लीज़ विजिट कीजिए और अपने हिसाब से अपने पढ़ाई को और भी इफेक्टिव तरीके से आप यूज कर सकते हैं। हर प्लेलिस्ट में आपको उससे रिलेटेड सारा कुछ मिलने वाला है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, विजिट जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।